हेलो एवरीवन, आप लोगों के टेंथ के एग्ज़ाम हो ही गए हैं और एनसीईआरटी ने भी बोल दिया है, सीबीएसई ने, कि आपके अब जो एग्ज़ाम रह गया है, एफआईटी का रह गया था, वो भी होना नहीं है, है ना। तो जिन लोगों को इलेवेंथ में मैथ्स लेनी है उनके लिए वीडियो है। मैं आज से इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी की मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ और डेली आपको एक वीडियो मिलेगी कंटिन्यूस। तो आप कंटिन्यूस वीडियो को देखें और शुरू से पढ़ाई करते चले अपनी मैथ की। और फर्स्ट चैप्टर आपका इलेवेंथ एनसीईआरटी मैथ में सेट्स, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप आगे तक इसका यूज होगा, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझते हुए चले अभी से, है ना। इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, पहले मैं सोचा था एक ही वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन बता दूँ, तो सेट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है सेट्स के बारे में सब कुछ बता दूँ, तो वो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता, फिर ज़्यादा लंबी पढ़ाई समझ में नहीं आती बच्चों के। तो मैंने सोचा चैप्टर वाइज यानी कि एक्सरसाइज वाइज ही इंट्रोडक्शन दूंगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल इतना है कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस इतना ही है। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि सेट्स क्या होते हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या मेथड हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करिए और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट्स, है ना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप पेंसिल बॉल पेन निकाल के बैठिए और नोट करते चलिए हाथ के हाथ कि सेट्स क्या हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या मेथड हैं, और बहुत बारीकी से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे ट्वेल्थ में भी ये काम आएगा, प्रोबेबिलिटी इलेवेंथ में भी है, ट्वेल्थ में भी है, उसमें भी ये काम आएगा। और सेट्स आप हर जगह पढ़ेंगे, कंपटीशन में भी हर जगह सेट्स जरूर आता है, सेट का क्वेश्चन, तो आप अच्छे से समझ के चलिए ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये था कि सेट्स होते क्या है। तो सेट्स क्या है, देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। अब ये वेल डिफाइंड क्या है, इसका मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक चीज और ऑब्जेक्ट्स कहो चाहे एलिमेंट्स या मेंबर, एक ही बात है ना, एलिमेंट्स या मेंबर या ऑब्जेक्ट हो, एक ही बात है, अभी हम समझाएंगे और क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात चलती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सेट्स के अंदर क्या क्या आएंगे, जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर है, हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं तो हमें बताना होगा सेट्स में है या सेट नहीं है। तो आप समझ लो अच्छे से, वेल डिफाइंड होंगे तब तो सेट है, अदरवाइज सेट नहीं है। अब देखो वेल डिफाइंड क्या है, कोई इतने अच्छे से डिफाइंड हो कि किसी से भी हम आंसर पूछें तो सबका सेम आए, अगर ऐसा है तब तो वेल डिफाइंड है, तब तो वो सेट्स होगा कलेक्शन, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। अब कैसे, देखो मैं आपसे कहूँ कि अच्छा बताओ फाइव आपके क्लास के बेस्ट स्टूडेंट, तो मैंने आपसे पूछा तो आपकी निगाह में पता नहीं कौन से फाइव स्टूडेंट्स हैं, दूसरे बच्चे से पूछा उसकी निगाह में कोई अलग अलग फाइव स्टूडेंट्स आएंगे, किसी टीचर से पूछेंगे तो सब्जेक्ट वाइज वो भी अलग हो जाते हैं, किसी की मैथ अच्छी है, किसी की आर्ट अच्छी है, किसी की हिंदी अच्छी है लेकिन मैथ गलत खराब है उसकी, है ना। तो हर कहने का मतलब सबके फाइव नाम जो आएंगे अलग अलग आएंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल समझो, हमने कहा आप अपने बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के नाम बताइए, तो कोई धोनी कहेगा एक का पूछूं, कोई विराट कोहली कहेगा, हमारे तो प्राइम टाइप के हैं तो हम तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, इस टाइप के नाम लेंगे तो सबके अलग अलग आएंगे। तो फिर ये वेल डिफाइंड में आता क्या है, है ना, ये समझना। देखो वेल डिफाइंड में क्या, अजय एक और एग्जांपल दीजिए देता हूँ, मैं कहूँ आप कोई फाइव नोबेल लिखो, है ना, राइट एनी फाइव नोबेल। तो नोबेल्स तो मुझे भी ज़्यादा नाम याद नहीं, गोदान वगैरह मैंने सुना है ना, बहुत से नोबेल्स होते हैं तो अलग अलग आएंगे। लेकिन अब वेल डिफाइंड में अगर हम आपसे कहें राइट एनी फाइव नोवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए फाइव नोवेल्स लिखो, तो अब वो क्या होगा, सबके सब जो भी लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुई नोवेल होंगे। तो ये वेल डिफाइंड हुआ, उसमें जो कलेक्शन आ रहा है सब कौन से नोवेल्स का आ रहा है, प्रेमचंद के लिखे हुए। इसी तरह एक होता है कि फाइव रिवर, अब फाइव रिवर बोले तो रिवर तो कोई सी हो सकती है, गंगा यमुना नील नदी और भारत के विदेशों की वो सबसे अलग अलग, इसको वेल डिफाइंड करना है तो हम इसे लिखते हैं कलेक्शन ऑफ फाइव रिवर इन इंडिया, इंडिया में जो फाइव रिवर हैं उसको लिखना है, तो ये कहलाएगा वेल डिफाइंड। तो ये होगा सेट्स, बात समझ में आई। और देखो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम कहें अ कलेक्शन ऑफ नंबर, बल्कि इवन नंबर लेस देन टेन, तो हम लेस देन टेन से इवन नंबर लिखने को कहें पॉजिटिव, तो कौन कौन से होंगे, टू फोर सिक्स एट, तो ये वेल डिफाइंड हो गया, सबके सब ये लिखेंगे टू फोर सिक्स एट, टू फोर सिक्स एट, तो सबका आंसर सेम आया, तो इट इज वेल डिफाइंड। तो मुझे उम्मीद है आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया है ना।
अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यही एग्जांपल हमने कहा था, एक सेट लिखो जिसका इवन नंबर लेस देन सेट, और ऐसे लिख रहा हूं, सेट्स ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। और वो सेट किसी से भी, मान लो सेट ए, तो हम कैपिटल ए लिखेंगे। और इसको लिखने का तरीका होता है, नंबर्स को जो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, और क्या बताया था मैंने, मेंबर, एक की बात होती है ना, तो एलिमेंट्स आ रहे हैं 10, इवन नंबर 10 से लेस देन, तो फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा 2, तो हर एलिमेंट के सेपरेट करते हैं हम कॉमा से, कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्या होगा 4, कॉमा, तीसरा 6, कॉमा, लास्ट 8, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये होता है सेट को लिखने का तरीका, कर्ली ब्रैकेट ही लगेगा, ना स्मॉल ब्रैकेट ना स्क्वायर ब्रैकेट, और हर एलिमेंट के बीच में कॉमा। हाँ, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। आप 4 पहले लिख सकते हो, 6 पहले लिख सकते हो, 8 पहले लिख सकते हो, 2 को यहां भी लिख सकते हो, लास्ट में भी, उससे कोई फर्क नहीं है। एक एलिमेंट एक ही बार आता है सेट्स के अंदर, रिपीट नहीं होगा। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किससे करते हैं हम, कैपिटल लेटर से। स्मॉल ए नहीं लिखेंगे, स्मॉल बी नहीं, अंदर अगर कोई अल्फाबेट है तो स्मॉल में आता है, ए बी सी डी, बॉबल्स हम कहते हैं, राइट द बॉबल्स। एक सेट लिखना है जिसमें सारी बॉबल्स हों, तो उसको कुछ लिख सकते हो, बी फॉर बॉबल्स हो तो बी लिख दिया, यहाँ कुछ लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। और बॉबल्स क्या होते हैं, ए ई आई, ये जानते, स्मॉल ए, यहाँ कैपिटल ए नहीं लिखते, ए ई आई ओ यू। अब ये नहीं कि कैपिटल नहीं लिखते तो कैपिटल आएगा नहीं, बहुत से सवाल आएंगे कि मैथमेटिक्स कैपिटल में लिखा हुआ है, तो उसके जो अल्फाबेट्स है उसका सेट्स बनाओ, अभी आएंगे जब बताएंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन अपनी तरफ से हम स्मॉल में लेके चलेंगे। जैसे बॉबल्स बोला तो हम कैपिटल ए भी ले सकते हैं, तो हम स्मॉल ही लेंगे, ए ई आई ओ यू। हर एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा के द्वारा, और किस में लिखते हैं, सेट्स को, कर्ली ब्रैकेट में। अब देखो, आपने नेचर नंबर, होल नंबर पढ़े हुए हैं ना, तो क्या था, सेट ऑफ नेचर नंबर। तो सेट ऑफ नेचर नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, तो कैपिटल नहीं लिखा था वहाँ, कभी स्मॉल एन नहीं देखा हो आपने, और कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो नेचर नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन जब सेट की बात चल रही है तो एंड सो ऑन को हम क्या लिखते हैं, 3 डॉट लगा के क्लोज कर देते हैं, 3 डॉट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए सेट्स में, ये कहलाता है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब बताएंगे, एक होता है फाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट के नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट को हम 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं, 3 डॉट इज सो इनफाइनाइट नंबर। तो ये समझ में आ गया, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ओके ओके, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। अब मैं लिखूं, राइट द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, है ना, माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी। तो आप लोगों ने जब हमने इंटीजर्स पढ़ाया होगा, या आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसका इनफाइनाइट होते हैं तो डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाओगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, कितने लिखने मर्जी आपकी है, 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सेट है। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, हर एलिमेंट को सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा साइन से। ओके, अब देखो, मैंने एक कोई सेट लिख दिया, मान लो सेट बी लिख दिया मैंने, इसमें कुछ नंबर्स लिखे, 5, 6, 7, 8, 9, ये सेट है। ओके, अब ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। तो 5 बी में है ना, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स, 5 बिलोंग्स टू बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 5 ये सिंबल, ये कहलाता है बिलोंग्स, 5 बिलोंग्स वी, ये सेट है, जो भी सेट हो गए हैं, बी है तो बी, ए है तो। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये पढ़ाते हैं, 5 बिलोंग्स टू सेट वी, 5 belongs to, जो भी सेट है, B है तो B, A लिख रहा हो तो A, X होता तो X, है ना। जैसे 6 है तो हम क्या लिखेंगे, 6 belongs कर रहा है तो 6 belongs to V, 7 है तो क्या पढ़ते हैं, से belongs, इस सिंबल का, 7 belongs to set V, 8 है तो 8 belongs to set V, 9 belongs to set V। अब जरा हम 4 देखें, 4 इसमें है नहीं है, तो सेट्स में हम कैसे लिखते हैं, डज नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स माने जानते हैं, होना, डज नॉट नहीं होना, तो डज नॉट बिलोंग्स को हम इसको कट कर दो, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स,
तो फोर डज नॉट बिलोंग्स टू वी, इसको मतलब क्या हुआ, फोर डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, यानी इससे क्लियर हो गया फोर बी में नहीं है. या हम कहें कौन सा रह गया, बहुत सारे मार्क्स हैं कि सेवन एट नाइन फोर, थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू फाइव, टू सॉरी फाइव कर रहा हूं, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, टू डज नॉट बिलोंग्स टू वी, वन डज नॉट बिलोंग्स टू वी. इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसका एक नाम और बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्डिनल नंबर. इसमें कितने कार्डिनल नंबर हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव. कितने एलिमेंट्स हैं, फाइव. और उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं कि एन कितना है, हम कुछ हैं एन और सेट वी, यानी कि नंबर ऑफ सेट वी एलिमेंट्स कितने हैं, फाइव. ये भी बात की बाद में आकर समझाएंगे, फिलहाल लिया जाओ. तो अभी तक हमने ये देखा कि सेट्स होता क्या है. सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड समझ में आ गया, एक ऐसी डेफिनेशन जिससे सबके आंसर सेम आए, है ना. और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एन, कैपिटल जेड. इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं कार्डिनल नंबर कहलाते हैं. और ये एलिमेंट्स बोलते हैं से, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या मेंबर ऑफ सेट, एक ही बात है, ऑब्जेक्ट बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, या मेंबर्स ऑफ सेट. ओके, हर एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से. और हमेशा सेट कैसे लिखा जाता है, कौन से ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट में. ओके, यहां तक समझ में आ गया. तो मिजन दस सेट आपको समझ में आ गया होगा. अब हम करते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखो दो फॉर्म होती है इसको रिप्रेजेंट करने की, एक होती है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. देखो इस फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट वो सब हम शो करते हैं. जैसे हम अभी दिखा रहे थे वो सब रोस्टर फॉर्म थी, है ना. जैसे देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया एलिमेंट्स लो ऑल नेचर नंबर, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन कुछ भी लिख लो फाइव, है ना. तो हमने एक सेट लिया और उसके सारे एलिमेंट लिस्ट होने चाहिए और करली ब्रैकेट में लिखना चाहिए, और हर एलिमेंट किससे सेपरेट होगा, कॉमा फॉर्म से. यही रोस्टर फॉर्म होती है जो अभी तक समझा रहे थे हम. तो सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, वन, फिर कॉमा लगाएंगे, टू कॉमा थ्री कॉमा फोर. तो इस तरह के जिसमें सारे नंबर लिस्ट हो और सेपरेट हो कॉमा से इन कर्ली ब्रैकेट, ये कहलाती है इसकी रोस्टर फॉर्म. जैसे हम देखें कि सेट्स ऑफ अ वॉवल्स, तो वॉवल्स हमने बताया था ए ई आई ओ यू, द सेट्स ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो क्या होगा, बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो सेट्स ऑफ द वॉवल्स, तो सारे के सारे एलिमेंट जितने भी हैं उसको लिस्ट करना है हमें, यानी कि दिखाना है, शो करना है. तो ए कॉमा से सेपरेट करेंगे, ए ई आई ओ कॉमा यू, और कर्ली ब्रैकेट में हम इसको क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे. तो ये कहलाती है कौन सी फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, है ना. बात करिए ना, तो ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. अब देखो एक और एग्जांपल, मान लो क्वेश्चन लिया जाए, राइट द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ये है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल जीरो इन रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, इसकी जितनी वैल्यू होंगी, स्क्वायर है तो दो ही वैल्यू होंगी, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही वैल्यू होती है, उसको हमें कर्ली ब्रैकेट में लिख के शो करना जो भी वैल्यू आए. तो उसको सॉल्व करें, ये क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया एक्स प्लस टू. और यहाँ तो इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं है, मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ जल्दी. तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक एक्स इक्वल टू आ गया माइनस टू, और इससे एक्स इक्वल टू टू. तो सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सेट को हमें समझाया था कर्ली ब्रैकेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके, यानी कि सॉल्यूशन है माइनस टू, सेपरेट करके दूसरा सॉल्यूशन टू, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे. तो इट इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. तो रोस्टर फॉर्म समझ में आया, कर्ली ब्रैकेट में जितने भी उस सेट्स के एलिमेंट्स हैं सबको शो करना है. ये तो होती है रोस्टर फॉर्म. मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी रोस्टर फॉर्म. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो अच्छी है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको आप अच्छे से समझना.
और सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें होता क्या है, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट या राइट वी लिस्ट द प्रॉपर्टी, एक है तो एक या बहुत सारी प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई वाई द ईच एलिमेंट ऑफ सेट। अभी ऐसे नहीं समझ में आया बताएंगे, मान लो कोई एक सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सारे एलिमेंट हैं। लेकिन अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो देखो क्या था, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी, हम एक प्रॉपर्टी लिख के दे देते बस, जो क्या है हर एलिमेंट द्वारा सेटिस्फाई हो। जरा हम देखें माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या है, ऑल आर इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स है, माइनस टू यानी कि यहां से यहां तक सब बड़े, किससे बड़े, माइनस थ्री से। देखो माइनस थ्री से बड़ा है माइनस टू, माइनस वन भी माइनस थ्री से बड़ा है, जीरो भी माइनस थ्री से बड़ा है, पॉजिटिव तो माइनस से बड़े होते ही हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब माइनस थ्री से बड़े हैं। लेकिन कहां तक है, सिक्स तक, तो सिक्स किससे छोटा था, सेवन से। तो ये सारे के सारे देखो सेवन से छोटे हैं, सिक्स सेवन से छोटा है, फाइव से भी छोटा है, सॉरी फाइव सेवन से छोटा है, फोर भी छोटा है, थ्री भी छोटा है, टू भी सेवन से छोटा, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं सेट्स में क्या है, माइनस थ्री से तो बड़े हैं और सेवन से छोटे हैं। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल, हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स सच डेट एक्स, अभी क्या पढ़ते हैं बताऊंगा, अभी आप लिखना सीख लो, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स, यानी कि एलिमेंट्स है एक्स, और एक्स कैसा है इसको हमें डिफाइन करना है ना, प्रॉपर्टी लिखनी इसकी, ये लिखना सेटिस्फाई बाई ईच एलिमेंट। तो एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स क्या है इज एन, क्या था ये सर, इंटीजर, तो एक्स क्या है इज एन इंटीजर, ठीक है, एंड कैसा इंटीजर्स है, एंड करके लिख देते हैं प्रॉपर्टी, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, माइनस थ्री से तो बड़ा है एक्स और सेवन से छोटा, बात समझ में आ गया। तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर ना, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जरा ये सीख लो लिखते क्या है, देखो ये समझ लो, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, इसका कर्ली ब्रैकेट ये मान लो। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ते ऐसे, ये है क्या, इसको हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल, ग्यारह सिंबल मान लो, ये स्टार्टिंग जो रही है द सेट ऑफ ऑल, बस। अब यहां जो भी लिखा हो, एक्स तो एक्स आएगा, वाई तो वाई आ जाएगा, जेड है तो जेड, तो हम क्या लिखेंगे, द सेट्स ऑफ ऑल एक्स सच डेट, ये कोलन इसको हम बोलते हैं सच डेट, समझ में आ गया ना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट, बाकी सभी कैसा है कि एक्स इज एन इंटीजर, बाकी तो लिख रहा है, यहां से यहां तक का मतलब ये है, सॉरी कोलन, इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है हम जो पढ़ते हैं, मतलब द सेट ऑफ ऑल, और यहां जो भी लिखा एक्स तो एक्स, इस कोलन को बोलते हैं सच डेट, यानी कि किस तरह का है, इस तरीके का है, वो आगे लिख रहा प्रॉपर्टी, एक्स इज एन इंटीजर्स, और कैसा इंटीजर्स है, जो माइनस थ्री से तो बड़ा है सेवन से छोटा। तो हमने वही लिखा था लिस्ट, यानी कि राइट लिस्ट द प्रॉपर्टी, हमने लिस्ट कर दी प्रॉपर्टी जो ईच एलिमेंट द्वारा सेटिस्फाई हो रही है। अब देख लो माइनस वन ले रहे, इसको सेटिस्फाई कर रहा है इंटीजर्स है और माइनस थ्री से बड़ा है लेकिन सेवन से छोटा है। फाइव ले लो, फाइव क्या है, माइनस थ्री से बड़ा है सेवन, सारे एलिमेंट देख लो इसको सेटिस्फाई करेंगे, अगर सारे एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए ना। अभी एक और एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। अब मान लो अनदर एग्जांपल, एक सेट्स भी दे रखा है वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये कौसी किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बी सेट्स कैसा है, इसे क्या बोल देते हैं, हमने बताया था द सेट्स ऑफ ऑल एक्स, सब एक्स के लिए यानी कि एलिमेंट्स के लिए, सच डेट एक्स, अब ये क्या है, देखो वन टू थ्री फोर फाइव क्या नेचर नंबर है, तो लिख देंगे एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचर नंबर, एक्स इज अ नेचर नंबर, अब नेचर नंबर तो है कैसे है, फाइव आ रहा है यानी कि लेस देन सिक्स, सिक्स से छोटे, तो यहां लिखेंगे लेस देन सिक्स, समझ में आ गया। अब होता क्या है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी, हमसे इससे टेबुलर फॉर्म पूछ लेगा, तो अब इस टेबुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हमें कैसा सेट्स है, हमें यहां क्या उसका हमने बताया था, क्या पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, तो हमें सेट बनाना ऑल एक्स का,
एक्स क्या नेचर नंबर, लेस देन सिक्स, सिक्स से छोटे नेचर नंबर, वो सब लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबुलर से हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेट बिल्डर से हम इसमें टेबुलर में, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, और एग्जाम्पल दूं, चलो एक एग्जाम्पल और देते हैं। अब देखो ये सेट दे रखा है, तो हमें लिखना है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? 1, 4, 9, 16, 25 को समझ में आया? देखो क्या है, ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, इट इज द स्क्वायर ऑफ 4, इट इज द स्क्वायर ऑफ 5, यानी कि लगातार 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 3 डॉट लगाते थे एंड सो ऑन बताया था। तो यानी कि ये नेचर नंबर का स्क्वायर है। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, यानी कि सेट्स कैसा है? नेचर नंबर के हर नंबर का स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में? हम लिख सकते हैं कि सेट्स ए किस तरीके से है, द सेट्स, इसको बताया था, सेट्स ऑफ ऑल एक्स, एक्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं, सच डेट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, बस इतनी सी बात, ऑफ अ नेचुरल नंबर, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गई होगी, टेबुलर फॉर्म भी समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 1.1, इसमें यही है सेट बिल्डर फॉर्म से डोनेटेड करना है, या कौन से सेट है कौन से सेट नहीं है ये बताना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, सेट बिल्डर को हम रोस्टर में करेंगे और रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म सेम होती है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में तब मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उसके बाद फिर हम बनाएंगे टाइप ऑफ सेट्स, फिर उसके बाद उसके बेस पर एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो जो एक्सरसाइज है उससे पहले उसके बेस की वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे एक साथ। पहले मैं सोचा था एक ही वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन डाल दूं, तो सेट्स में बहुत बड़ी हो जाती है, 1-2 घंटे की वीडियो हो जाती है, फिर आप लोगों को मजा भी नहीं आता, इसलिए मैंने ये सोचा हर एक्सरसाइज की बेस की वीडियो पहले, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ओके। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिएगा, जब तक आपके स्कूल नहीं खुलने तो आप कंटिन्यूस बने रहिए मेरे चैनल पर, तो मैं डेली आगे की वीडियो कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे। जैसे आज ये डाला है तो नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी इसकी 1.1 एक्सरसाइज, उसके बाद फिर 1.2, डेली उसके आगे चलेगा, है ना। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।